News 18 India। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस समय की सबसे बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं फॉर्मर सीएम जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर सवाल बड़ा स्पष्ट है जी। आपको भी निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। आपके समेत 15 विधायकों को निष्कासित करा गया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचा लिया है क्योंकि बजट पास हो गया है। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ जी। फिलहाल आज के दिन तो सरकार बची है, लेकिन इस सरकार का भविष्य अब संकट में है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से हनन यहां पर हुआ है, शायद ही कहीं देखने को मिला। वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आजकल बजट सत्र चल रहा है जी, और बजट में पास करने के लिए इनको विपक्ष के विधायक को सस्पेंड करने पड़े। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि इनके पास बहुमत अपने पास नहीं था। 15 विधायक भाजपा के सस्पेंड किए गए और उसके अतिरिक्त 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सहयोग किया, वोट दिया, उनको भी पार्टी से निकालने के लिए कार्यवाही विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष इस वक्त चली हुई है। तो इस तरह से आखिरकार अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा बोल रही है कि हमारे पास बहुमत है, तो ये सब करने की आवश्यकता क्या? कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, बजट पास करने के लिए नहीं जी। जी, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। जयराम रमेश ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें बोला कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी की गई, लेकिन उस ऑपरेशन लोटस को हम पास नहीं होने देंगे, उसको फेल करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्कू ने भी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े सारे आरोप लगाए हैं कि बहुत धन बल और लालच का प्रयास किया गया है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री को इस बात को समझना चाहिए, कम से कम उनका एक मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्याग पत्र अपने पद से देते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि जितनी जलालत मैंने एक साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के व्यवहार और उनके काम करने के तरीके में महसूस किए, कभी मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। और आखिरकार दुखी होकर के जब मंत्री त्याग पत्र दे रहे हैं, विधायक त्याग पत्र दे रहे हैं, विधायक दूसरी पार्टी के लिए अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका साफ संदेश है कि एक साल के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, उसमें तानाशाही थी। और ये विधायक एक बार नहीं, 20 बार विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बोल चुके हैं अपनी बात को। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा है, उसने भी अपनी बात को, अपनी पीड़ा को एक बार नहीं अनेकों बार जाहिर किया है। जब अपनी पार्टी में इनकी हालत ऐसी है, इसका दोष किसी के ऊपर लगाना ये उचित नहीं है। लेकिन सीएम ने आज आकर खुले तौर पे कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं सामान्य परिवार से आता हूं और मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ूंगा और जीत के वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री सुक्कू कॉन्फिडेंट है कि वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे और कांग्रेस लीडरशिप उनके पीछे खड़ी है। मुझे मालूम नहीं कितने लोग पीछे खड़े हैं, कांग्रेस लीडरशिप, दिल्ली लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, सामने आ जाएगी। कांग्रेस लीडरशिप की दिल्ली की बात जहां तक बोल रहे हैं, वो सारी बात हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, किसको उन्हें नेता बनाना है, कांग्रेस पार्टी ने किसको नहीं बनाना, ये उनका पार्टी का अंदर का मामला है। लेकिन सामने तो बात यह है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की, जो सुक्कू जी के नेतृत्व में चल रही है, अपना जनादेश खो चुकी है। जनादेश खोने के साथ साथ में विधानसभा में बहुमत खो चुकी है, और इसलिए उनको अपना बजट पारित करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ, अंतिम दिन और बजट आनंद फानन में पास किया गया। और ये बजट पास करने के लिए नहीं, ये सरकार बचाने के लिए काम हुआ है। क्योंकि अगर बजट में, फ्लो टेस्ट में अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती, सदन में हार जाती, तो सरकार चले जाती। यही एक बात है कि जिस बात को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी हैं, जो उन्होंने जिस प्रकार से सारा जो तांडव मचाया हुआ है यहां पर, जिस शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलने वाला।
इस सरकार का भविष्य नहीं है, बहुत जल्दी ये सरकार जाने वाली। हर्ष महाजन जो आपके जीते हुए कैंडिडेट है, उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाएगी, 9 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है वो मेरे समर्थन में है। इसके मायने क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, आरोप ये भी लगेगा? नहीं देखिए, गिराने का विषय तो उसके बाद आता है। पहली बात तो यह है कि यह स्थिति बनी क्यों, इस बात को लेकर के कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक रूप से जब उनके पास बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार गिरेगी, और सरकार इसलिए वहां पर बचाने की कोशिश की है क्योंकि उनके पास जब बहुमत नहीं था जी, तो यही तरीका निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो तभी जाकर के हम बच सकते हैं। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया है, और ये कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि बजट पास करने के लिए बहुमत की कमी होने के कारण। अच्छा, आपकी भविष्यवाणी जयराम ठाकुर जी विपक्ष को आपकी आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी के वहां पर वरिष्ठतम नेता हैं, LOP हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या है? आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं चलने वाली है, सरकार गिरने वाली नहीं है। मैं कोई पंडित तो नहीं हूँ भविष्यवाणी नहीं करने वाला, लेकिन नहीं आप कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं तो सरकार तो गिरेगी, देश में ना प्रदेश में। सरकार अगर चलेगी नहीं तो सरकार गिरेगी, अगर सरकार बनेगी तो किसी की सरकार बनेगी भी। अगर कांग्रेस की सरकार गिरेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जैसा हर्ष महाजन कह रहे हैं? तो निश्चित रूप से देखिए, जब सरकार गिरेगी उसके बाद ये भी तय है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा दल तो कोई है नहीं। सरकार बनने की संभावना जिसकी बनेगी वो तो भाजपा की ही होगी। और ये मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का खो चुकी है। मैं नैतिक अधिकार खो चुकी है, लेकिन क्या बीजेपी के पास नैतिक अधिकार है सरकार बनाने का? अगर ये 9 विधायक टूट के क्या आपके संपर्क में है, क्योंकि उन्होंने आपके कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला है, 6 कांग्रेस की और 3 इंडिपेंडेंट, 6 कांग्रेस वालों की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो बीजेपी के साथ है? देखिए उनके साथ बातचीत करके जो भी आगे की चीजें होंगी उस बात को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी बहुमत से अल्पमत में आई कैसे? प्रश्न तो यही है ना, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं वो लोग, कह रहे हैं कि बीजेपी ने करा, राज्यसभा वो कह रहे हैं अमित शाह ने करा, जगत प्रकाश नड्डा ने करा, जयराम ठाकुर ने करा। देखिए वो जो इस तरह की परिस्थिति के दौर में से गुजरते हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री की अगर बात कहूं मैं, और इस वक्त वो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है, बहुत परेशानी में है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा चर्चा चल पड़ी है कि उनको हटाने का निर्णय हो चुका है ऊपर, लेकिन नाम किसका होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। मैं उस सारी चीज को लेकर के कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो उनकी अंदर की बात का, पार्टी के अंदर का मामला है, कांग्रेस का आपको अंदर का चाहता हूँ। कांग्रेस पे किसी और मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा भी हो चली है, वो बहुत टेंशन में, आपको पूरी जानकारी है, यानी विरोधी खेमे की पूरी जानकारी रखी हुई है ठाकुर जी आपने? ना वो तो रखनी पड़ती है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। ये भी बता दीजिए कि ये 6 विधायक राजनीति की जा सकती है, ये 6 विधायक ऑफिशियली आपके साथ कब आ रहे हैं, और क्या विक्रमादित्य सिंह भी आएंगे साथ में आपके? देखिए ये हमारे साथ ही है, ये 6 विधायक हमारे साथ ही है, और जो हमें आज आशंका है, जो हमने सुबह ही जाहिर कर दी थी पहली, कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये सस्पेंड करेंगे क्योंकि बजट पास करना है, तब तक के लिए बजट पास नहीं हो सकता जब तक कि हमको ये सस्पेंड नहीं करेंगे, और दूसरा जो 6 विधायक हैं इनकी सदस्यता को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे, और वो ये कर रहे हैं, और इसके बाद अगली रणनीति जो है पार्टी हाईकमान के साथ, पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए, विक्रमादित्य सिंह का भविष्य क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि आज सुबह वो इमोशनल हो गए, रो पड़े जब वो अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहे थे। देखिए आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में मंत्रियों की हालत क्या है। आज विक्रमादित्य सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने कहा कि पिताजी को जलील किया, माताजी को जलील किया, मुझे एक बार नहीं अनेकों बार जलील किया, और ऐसे में इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता हूं। तो स्वाभाविक रूप से अगर मंत्री की ऐसी स्थिति रही
तो वहां पर कौन खुशी है, कौन सुखी है सुक्खू की सरकार में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए इस सारी स्थिति के लिए अगर कोई दोषी है तो हम नहीं, दोषी तो वही है जो सत्ता में है। जी, मेरा आपसे एक सवाल जो कि इस समय सवाल वो सब आपसे पूछ रहे हैं, जो निष्कासित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनको, जिन 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है, उसके बाद आपकी रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि सरकार तो बच चुकी है, लेकिन अब विक्रमादित्य को लेकर सस्पेंस है, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, सरकार आज भले ही चाहे थोड़े वक्त के लिए बची हुई है, लेकिन लोगों की नजर में सरकार गिर चुकी है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बहुमत की अगर वो बात कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? बहुमत नहीं था तो इसलिए सस्पेंड किए ना। और इस सारी चीज के लिए एक बात का संदेश पूरे देश भर में चला गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अब भविष्य नहीं है, ये भविष्य समापन की ओर जा रहा है। आप कह रहे समाप्त होता जा रहा है। जी, समाप्त होता जा रहा है, भविष्य समाप्त होता जा रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार का भविष्य क्या है, इसको लेकर आपकी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोई बात हुई है? देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के ये मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, और मैं इतना ही कहता हूँ कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो है, स्वाभाविक रूप से जब ऐसे दौर आते हैं तो चर्चा होती है, क्योंकि हिमाचल से जेपी नड्डा भी आते हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम पे पैनी नजर होगी, इससे कोई दोराय नहीं कर सकता। क्या बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी, इस सवाल का आप जवाब क्या देना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि राज्यसभा में 25 से हम 34 पर पहुंचे जी, और कांग्रेस 43 पर थी और 43 से वो 34 पहुंचे, और उसके बावजूद हम जीते, कम होने के बावजूद हम जीते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? बात तो ये है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आगे भी आने वाले समय में यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रहने वाली नहीं है। नेता बदलो, चाहे कुछ भी करो, ये कुछ भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जयराम ठाकुर जी, आज के महत्वपूर्ण दिन पर अपनी राय देने के लिए। तो जयराम ठाकुर से स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार बच जरूर गई है, लेकिन नैतिक अधिकार अब नहीं बचा है और नंबर नहीं है कांग्रेस के पास। और स्वाभाविक चीज, बीजेपी अपना प्रेशर अब माउंट करेगी कि नंबर शो करा जाए विधानसभा के अंदर, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का 34 का नंबर है तो बीजेपी के खेमे के पास भी 34 नंबर है। तो बहुत विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा का तुरप को पत्ता साबित होगा, यह देखने वाली बात होगी। व्यूअर्स, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है न्यूज 18 इंडिया की। आप बने रहिए हमारे साथ, एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हो रहे हैं।